राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, हरतालिका तीज जो कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है, हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए रखती हैं और कुंवारी लड़कियां अपने मन पसंद वर पाने के लिए व्रत करती हैं। बंधुओं, यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। जो एक बार हरतालिका तीज व्रत कर लेते हैं उन्हें हर साल इस व्रत को रखना होता है। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती ने देवों के देव महादेव को पाने के लिए इस व्रत को रखा था। कहा जाता है हरतालिका तीज व्रत के प्रभाव से पति को दीर्घ आयु और सुखी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत इस बार 30 अगस्त 2022 मंगलवार को रखा जाएगा। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बनाया जाता है जो कि भगवान शिव के ऊपर जो जलाधारी होती है उस पर चढ़ाया जाता है। जो ऐसा करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बंधुओं, हरतालिका तीज पर निर्जला व्रत ही किया जाता है। इस दिन अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं फलाहारी व्रत भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत धारी को दिन और रात में सोने की मनाही है, अर्थात उन्हें सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें, महादेव और माँ पार्वती का स्मरण करें। बंधुओं, अब मैं आपको हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस बारे में आपसे राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे, उनके तो सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्न चित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाके नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त
अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी ना रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गा कर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्या तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्या तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि आपको कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके।